हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस स्टडी टाइम क्लासरूम। तो गाइस, अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 48। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, जल्दी बताओ कितनी है कुतुब मीनार की ऊंचाई? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग है 73 मीटर। कितना है? 73 मीटर। अगर फीट में दे तो ये ऑलमोस्ट 240 फीट है। ठीक है, कितना है? 240 फीट या 73 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाटरलू किस देश में स्थित है? वाटरलू किस देश में स्थित है? तो वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो मेलाकोनाइट कॉपर का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में उत्तरी भारतीय क्षेत्र में किसका शासन था? 13वीं शताब्दी में उत्तरी भारतीय क्षेत्र में किसका शासन था? 13वीं शताब्दी में उत्तरी भारतीय क्षेत्र में किसका शासन था? किसका शासन था? तो यह था दिल्ली सल्तनत का। किसका था? दिल्ली सल्तनत का काल था। आप सभी को पता होना चाहिए कि इनका टाइम पीरियड जो था वह कब तक था। तो 13वीं शताब्दी यानी 1200 से लेकर आपसे पूछा जा रहा है, और दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1206 में। ठीक है, उसके बाद से उनका शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? मुमालिक कहलाता था। क्या कहलाता था? मुमालिक। ठीक है, तो मुमालिक टर्म आपको याद रखना है। ये मुमालिक टर्म किससे संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को मुमालिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून लगभग कितना लीटर होता है? मनुष्य के शरीर में खून लगभग 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? तो श्रीनगर शहर को अशोक ने बसाया था। किसने? अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यह है यूपी। अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? यह था वाजिद अली शाह। क्या नाम था इसका? इसका नाम था वाजिद अली शाह। ठीक है, ये था अवध का अंतिम नवाब। क्लियर है? वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह का शासन काल क्या था? वाजिद अली शाह का शासन काल क्या था, जल्दी बताओ। वाजिद अली शाह का शासन काल क्या था? क्या था वाजिद अली शाह का शासन काल? तो वाजिद अली शाह का शासन काल था 1847 से लेकर 1856 तक। कब से कब तक था? 1847 से लेकर 1856 तक इसका शासन काल था। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कैसा संगठन है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कैसा संगठन है? सलाहकार, प्रशासनिक या पर्यवेक्षक? तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी डाल दिया है, जल्दी से आंसर करो। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कैसा संगठन है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्सिडीज कप टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, टेनिस से संबंधित है मर्सिडीज कप। अगला क्वेश्चन है, वीनस की मूर्ति किस भारतीय अदाकारा को कहा जाता है? वीनस की मूर्ति किस भारतीय अदाकारा को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मधुबाला को। किसको? मधुबाला को वीनस की मूर्ति, ठीक है, यानी सुंदरता की देवी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति अधिक होने पर आवाज की पिच पर क्या असर होगा? अगर आवृत्ति अधिक हो तो आवाज के पिच पर क्या असर होगा? अधिक होगा या कम होगा?
जल्दी बताओ, आवृत्ति से पिच का क्या रिश्ता है? पिच यानी तीक्ष्णता, इसको हिंदी में तीक्ष्णता बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आवृत्ति अधिक है तो पिच भी अधिक होगा, यानी पिच और आवृत्ति दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पिच बढ़ेगा, सॉरी आवृत्ति बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ओ आई सी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ओ आई सी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है आपको ओ आई सी का। तो ओ आई सी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या होता है, इस्लामिक। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और बहुत बार एग्जाम में भी गलत आपका हो सकता है, कई जगह बुक में भी इसका गलत रहता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, यहाँ पे कंट्रीज लगा दिया जाता है, ठीक है, जो कि गलत है। क्या होता है? ये होता है कॉपरेशन। क्या होता है? कॉपरेशन, ठीक है। तो कुछ बुक में भी आपको यहाँ पे कंट्रीज मिल जाएगा, लेकिन इसका सही जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओ आई सी का गठन कब हुआ था? ओ आई सी का गठन कब हुआ था? ओ आई सी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में। क्या हुआ था? 1969 में। अगला क्वेश्चन है, ओ आई सी का हेड क्वार्टर कहाँ है? ओ आई सी का हेड क्वार्टर कहाँ है? कहाँ है ओ आई सी का हेड क्वार्टर? तो ये जेद्दा में। कहाँ है? जेद्दा, ठीक है, जेद्दा सऊदी अरेबिया, ठीक है, तो वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मान कब से शुरू हुआ है? पद्मश्री सम्मान कब से शुरू हुआ है? तो कब से शुरू हुआ है पद्मश्री? पद्मश्री 1954 से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित होने वाले भारतीय अभिनेत्री कौन है? सबसे पहले किस भारतीय अभिनेत्री को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये है नरगिस दत्त। क्या नाम है उनका? नरगिस दत्त, ठीक है। नरगिस दत्त को सबसे पहले पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पद्मश्री किस भारतीय अभिनेत्री को, किसी भारतीय अभिनेत्री को कब दिया गया? अच्छा, नरगिस दत्त को तो दिया गया, आप सभी ने अभी देखा, लेकिन आपको ये बताना है कब दिया गया इनको, कब दिया गया था? ये दिया गया था 1958 में। कब दिया गया था? 1958 में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री है जयललिता। कौन थी? ये थी जयललिता, ठीक है, ये थी तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है, सुनामी शब्द का उद्भव किस देश में हुआ था? सुनामी शब्द का उद्भव किस देश में हुआ था? तो सुनामी शब्द का उद्भव जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? कौन था? ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। क्या नाम था इसका? मैं यहाँ पे सिर्फ अल्मीडा लिखता हूँ, आप सभी इसको पढ़ लेना, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था इसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये थे भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कब नियुक्त हुआ? तो अल्मीडा जो भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बने, आपको ये बताना है ये कब नियुक्त हुए थे भारत में, कब हुए थे? ये हुए थे 1505 में। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर है? पोंग बांध किस नदी पर है? पोंग बांध किस नदी पर है? तो पोंग बांग व्यास नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस राज्य में है? व्यास नदी पर तो है, पर किस राज्य में है पोंग बांध? कहाँ है पोंग बांध? तो पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सागर किस राज्य में स्थित है? महाराणा प्रताप सागर किस राज्य में स्थित है? महाराणा प्रताप सागर किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? पोंग हिमाचल प्रदेश, महाराणा प्रताप हिमाचल प्रदेश। तो यहां से आपको याद रखना है कि पोंग बांध जो है उसी का दूसरा नाम है क्या? महाराणा प्रताप सागर। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और जनरली आप पढ़ते नहीं हो साथ में, इसलिए आपको याद नहीं रहता है। इसको याद कर लो, यहाँ पे महाराणा प्रताप सागर बांध जो है या सागर जो है, इसी को हम लोग पोंग बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन है, कैनवे राइट किसका अयस्क है? कैनवे राइट किसका अयस्क है? कैनवे राइट किसका अयस्क है? कैनवे नहीं है, ये कैलवे होगा। ठीक है, कैलवे राइट। कैलवे राइट किसका अयस्क है? तो कैलवे राइट गोल्ड का अयस्क है। किसका है? गोल्ड यानी सोना का अयस्क है कैलवे राइट। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? यह है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। अच्छा, दूसरा मैंने फॉर्मूला पूछा है, चलो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। तो कॉपर सल्फेट है इसका। ठीक है, क्या है? कॉपर सल्फेट। अब आप बताओ नीला थोथा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? नीला थोथा का केमिकल फॉर्मूला यानी कॉपर सल्फेट जो हुआ, इसी को आपको बस फॉर्मूले में लिखना है। क्या होता है? CuSO4। ठीक है, नीला थोथा, इसी को तूतिया भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, या आपका इंग्लिश में अगर पढ़ोगे इसको तो क्या हो जाएगा? ब्लू विट्रोल। ठीक है, तो ब्लू विट्रोल, नीला थोथा, तूतिया, सब एक ही हुआ जो होता है कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ये किया था सैमुअल मोर्स ने। किसने किया था? सैमुअल मोर्स ने। ठीक है, सैमुअल मोर्स ने किसका आविष्कार किया था? टेलीग्राफ का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर से भारत में 1857 का नेता कौन था? तो ये थे नाना साहेब। नाना साहेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? ध्यान देना है, विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जानते हो राज्यसभा के हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह से विधान परिषद में भी होता है, हर दूसरे साल 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी वो रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? ये बना था 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोजकर्ता कौन है? अच्छा, गामा किरणों के खोजकर्ता किसने गामा किरण खोजा था? किसने खोजा था? यह खोजा गया था बैकुरल के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था गामा किरण? बैकुरल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये किया गया था रोंटजेन के द्वारा। किसके द्वारा? रोंटजेन के द्वारा ये खोजा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उड़न परी का उपनाम किसको दिया गया है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। उड़न परी किसको कहते हैं? ये कहते हैं पीटी उषा को। ठीक है, पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग फिश किसको कहा जाता है? फ्लाइंग फिश किसको कहा जाता है?
तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है फ्लाइंग सिख और फ्लाइंग फिश में, तो दोनों को साथ में मैंने इसलिए लिया है ताकि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो फ्लाइंग फिश कहा जाता है माइकल फेल्प्स को, किसको कहा जाता है माइकल, ठीक है फेल्प्स, माइकल फेल्प्स को कहा जाता है फ्लाइंग क्या फिश। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, ये तो सभी जान रहे होंगे, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, यह है रेफलेसिया, ठीक है रेफलेसिया जो है वह है सबसे बड़ा पुष्प। और दूसरा है सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, कौन सा है वुल्फिया, ठीक है वुल्फिया जो है वह है सबसे छोटा पुष्प। और ये दोनों बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट किसी को होगा नहीं क्योंकि आ रहा होगा सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ, लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था, लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था, लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था, लाला लाजपत राय का जन्म तो ये हुआ था 28 जनवरी, 28 जनवरी 1865, ठीक है 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 24 फरवरी को हुआ था, कब हुआ था 24 फरवरी, और ईयर क्या था, ईयर था 1824, 24 फरवरी 1824 को दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं, चलिए बताओ क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रोपोफाइट, क्या कहा जाता है ट्रोपोफाइट, ठीक है जो ट्रॉपिकल एरिया में जो घास या वनस्पति उगते हैं उनको ट्रोपोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नमकीन मिट्टी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, नमकीन मिट्टी वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है हेलोफाइट, क्या कहा जाता है हेलोफाइट, ठीक है हेलोफाइट जो नमकीन जगह में उगता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे बी आर अंबेडकर, कौन थे बी आर अंबेडकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष, तो ये थे जेवी कृपलानी, ठीक है जेवी कृपलानी ये थे झंडा समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, आधुनिक भूगोल के जनक कौन जाने जाते हैं, यह है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, क्या नाम है इनका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है हम्बोल्ट क्लियर है। अच्छा कई जगह आपको वॉन हम्बोल्ट के बदले में एक और नाम मिलेगा, वो क्या है, वो है आपका कार्ल रीटर, क्या है कार्ल रीटर, तो आपको देखना है जो भी आपके ऑप्शन में रहे आपका वही होगा, ठीक है या तो वॉन हम्बोल्ट या कार्ल रीटर, तो अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें मिलती है, ठीक है अलग अलग एक्सप्लेनेशन के तौर पर अलग अलग आदमी को लिया जाता है, तो दोनों आपको याद रखना है वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रीटर, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन, और गाइस ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं सबको शेयर क्या करो, ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि क्या यहाँ पे चल रहा है नहीं चल रहा है, और इतने दिनों से आप लोग ये सेशन कर रहे हो और अब तक आपको पता चल गया होगा कि अगर इस सेशन के सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं ना, यानी बेसिक सारा जीके आपका क्लियर है, लेकिन अगर ईमानदारी से आप देखोगे तो अभी भी आपको इसमें 50% क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, 50% क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं आपको ऐसा लगता है कि आप अगर ऑप्शन रहता तो आप इसको आंसर कर लेते, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। 50 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन ऐसा मैं मान सकता हूँ जो आप बिना ऑप्शन का आंसर नहीं कर पाते हो, अगर ऑप्शन रहता तो आप उसको सही करते, लेकिन रेस्ट अगर 50 में से अगर किसी को 30 35 40 ऐसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके
तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। और अगर उतने क्वेश्चंस को आप बाय हार्ट करके आपने नहीं रखा है और आप ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन चाहते हो कि ऑप्शन रहता तो हम लोग कर लेते, तो ये आपकी गलतफहमी है और एग्जाम में इसी कारण से आप पीछे रह जाते हो, क्योंकि एग्जाम में तुक्का लगा के आते हो और फिर बाद में बोलोगे गलत गलत हो जाता है, यही कारण है। इसलिए मैंने ये ऑनलाइनर चलाया ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो और आपको पर्टिकुलर आंसर याद हो, ठीक है, ऑप्शन में तुक्का खेलने का आपको मौका ना मिले। इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी जितने लोग क्लास कर रहे हो ईमानदारी से क्लास करो और कोशिश करो कि जो आप एक दिन में पढ़ते हो वो सारा याद हो जाए, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।